You here for the cure? No. Actually, I was just leaving. No one ever leaves. हेलो गाइस नमस्कार। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये 2016 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसका नाम है अ क्योर फॉर वेलनेस। तो कहानी में एक यंग एम्बिशियस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है लॉकहार्ट, जो एक लार्ज फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का एग्जीक्यूटिव होता है। अब कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट डील्स को हैंडल करने के लिए कंपनी के CEO मिस्टर पैमब्रुक की साइन चाहिए होता है, लेकिन पैमब्रुक गए हुए होते हैं स्विट्जरलैंड की एक वेलनेस केयर सेंटर कम स्पा में अपना मानसिक थकान दूर करने 2 हफ्ते के लिए। लेकिन जब कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को पैमब्रुक की एक चिट्ठी मिलती है जहाँ लिखा था कि वो और वापस नहीं आना चाहते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लॉकहार्ट को उस स्पा में भेज देते हैं पैमब्रुक को वापस न्यूयॉर्क लेके आने के लिए। तो इसके बाद लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड आ जाता है और एक टैक्सी रेंट करके निकल जाता है स्पा के लिए, जो कि गांव से दूर ऊपर एक हिल पर था। जाते टाइम एक गांव वाला उसके कार पर ड्रिंक फेंकता है। कार ड्राइवर लॉकहार्ट को बताता है हिल में रहने वाले लोगों के लिए गांव वालों का ऐसा बर्ताव का कारण उनका 200 साल पुराना इतिहास है। अभी जो स्पा है वो बहुत पहले एक किला हुआ करता था जहाँ नवाब रहा करते थे। वहाँ का आखिरी नवाब अपने ब्लड लाइन को लेकर बहुत पर्टिकुलर था। उसका मानना था बस उसकी खुद की बहन ही उसके बच्चे की माँ बन सकती है। लेकिन शादी वाली रात को गांव वाले किले में आ जाते हैं और नवाब के बहन को उसी के सामने जिंदा जलाकर मार डालते हैं और किले को भी आग लगा देते हैं। अब यही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हुए लॉकहार्ट स्पा पहुँच जाता है, लेकिन विजिटर आवर्स खत्म हो जाने के कारण उसको पैमब्रुक के साथ मिलने नहीं दिया जाता है। वो उस स्पा के मैनेजर डॉक्टर पीटरसन को बताता है कि वो बहुत दूर से आया है पैमब्रुक को किसी जरूरी काम से वापस लेके जाने के लिए, लेकिन पीटरसन बताता है कि पैमब्रुक शाम के 7 बजे अवेलेबल होंगे। तब तक अगर लॉकहार्ट वेट कर सकता है तो वो उन दोनों की मुलाकात करवा देगा। अब ये सुनने के बाद लॉकहार्ट राजी हो जाता है और क्योंकि वहाँ स्पा में कोई नेटवर्क नहीं होता है तो वो कॉल करने वापस स्पा से होटल आ रहा होता है, जहाँ निकलते ही रस्ते में उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब 3 दिन बाद लॉकहार्ट को होश आता है और वो अपने आप को स्पा में ही पाता है, एंड तभी उसकी मुलाकात स्पा के डायरेक्टर डॉक्टर हेनरिक वॉल्मर से होता है, जो उसको बताता है कि एक्सीडेंट में उसका पैर टूट चुका है, एंड ये खबर उन्होंने लॉकहार्ट के ऑफिस में भी दे दिया है, तो उसको ऑफिस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लॉकहार्ट को कुछ दिन उनके स्पा ट्रीटमेंट को ट्राई करने के लिए कहते हैं और ढेर सारा पानी पीते रहने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के पानी को बहुत खास और अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए। अब वॉल्मर के रूम से चले जाने के बाद जब लॉकहार्ट पानी पी रहा था तब वो पानी में एक छोटा सा बग नोटिस करता है, लेकिन ज्यादा ध्यान ना देके वो स्पा को एक्सप्लोर करने चला जाता है, जहाँ हर कोई पेशेंट स्पा के हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट से काफी खुश नजर आ रहा था। लॉकहार्ट स्पा में घूमते हुए स्टीम बाथ के तरफ चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात पैमब्रुक से होती है और दोनों कंपनी के इश्यूज के बारे में बात करने लगते हैं, एंड लॉकहार्ट फाइनली मना लेता है पैमब्रुक को साथ में न्यूयॉर्क चलने के लिए। इसके बाद लॉकहार्ट की वहाँ के कुछ मरीजों के साथ भी जान पहचान होती है, जैसे कि मिसेस वॉटकिंस और एक प्यारी सी लड़की हैना। वो उन सबको न्यूयॉर्क वापस चले जाने के बाद बताता है, जहाँ बाकी लोग सुनकर खुश होते हैं, लेकिन हैना कहती है कि आज तक कोई वापस नहीं गया है। इसके बाद लॉकहार्ट पैमब्रुक से मिलने चला जाता है, लेकिन पैमब्रुक उसको कहीं नहीं मिलता। वो सीधा डाइनिंग हॉल पर जाता है जहाँ सब लोग डिनर कर रहे थे। वॉल्मर से पूछता है कि पैमब्रुक कहाँ है, जिसके रिप्लाई में वॉल्मर कहता है कि पैमब्रुक का हेल्थ पहले से खराब हो गया है बिजनेस को लेकर डिस्कशन की वजह से, लेकिन लॉकहार्ट चिल्लाते हुए कहता है कि वॉल्मर अमीर पैसों वाले लोगों को लूट रहा है पानी के नाम पे, लेकिन वो कैसे भी करके पैमब्रुक को यहाँ से लेके जाएगा। बट तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ वॉल्मर उसके केबिन में लॉकहार्ट का चेकअप कर रहा था। चेकअप के टाइम लॉकहार्ट हैना की फोटो वॉल्मर के टेबल पे नोटिस करता है। हैना के बारे में पूछते ही वॉल्मर उसको एक स्पेशल केस बताता है और लॉकहार्ट के एक्सीडेंट के टाइम कुछ किए गए टेस्ट रिजल्ट्स अच्छे ना होने के कारण उसको हाइड्रोथेरेपी लेने के लिए सजेस्ट करता है, जिसमें लॉकहार्ट राजी हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो पैमब्रुक का फाइल भी चोरी कर लेता है। इन सब चीजों के बीच लॉकहार्ट और एक चीज काफी नोटिस करता है कि वॉल्मर पीटरसन वहाँ के स्टाफ एंड इवन हैना भी एक ब्लू बॉटल से ड्रॉप्स लेते रहते हैं, जिसको वो लोग विटामिन्स कहते हैं।
अब लॉकहार्ट की ट्रीटमेंट चालू होती है, जहां उसको बड़े से वाटर टैंक के अंदर रखा जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसको इन मछली दिखते हैं अपने साथ पानी में, जिससे वो बहुत पैनिक हो जाता है। और जब टैंक से बाहर आने की कोशिश करता है तो उसका ब्रीदिंग ट्यूब निकल जाता है और वो ऑलमोस्ट डूबी गया था कि तभी वहाँ की स्टाफ टैंक का दरवाजा खोल देते हैं। और लॉकहार्ट निकल के जब वापस टैंक में देखता है तो वहाँ पानी में कुछ भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट डे मिसेस वॉटकिंस एंड लॉकहार्ट की मुलाकात होती है, जहां वो लोग नवाब और उसकी बहन को लेके बात करने लगते हैं। मिसेस वॉटकिंस बताती है गांव वालों ने ये जगह सिर्फ इसलिए नहीं जलाई थी क्योंकि नवाब उसके बहन से शादी करना चाहता था, बल्कि इधर किले में मजदूरों के ऊपर किसी तरह के मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और गांव के लोग भी मिसिंग होने लगे थे। बाद में इनमें से कुछ लोगों की लाशें किसानों को खेत में मिली थी, बहुत ही बुरी हालत में, एकदम सूखी हुई इजिप्ट के ममीज की तरह। अभी ये बात बोल के मिसेस वॉटकिंस अपने ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है और इधर लॉकहार्ट फिर से हैना से मिलता है और उसको टाउन तक साइकिल पर राइड देने के लिए कहता है। अब वो लोग एक लोकल पब में आते हैं, जहां लॉकहार्ट हैना को बियर ऑफर करता है। हैना के लिए फर्स्ट टाइम था किसी लड़के के साथ ऐसे बाहर आना और बियर पीना भी, क्योंकि उसको स्पा से बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं है। लॉकहार्ट उसके माता पिता के बारे में पूछने पर वो बताती है कि उसकी माँ उसके बचपन में ही जल के मर गई थी और वॉलमन ने कहा है कि जब वो ठीक हो जाएगी तब उसका पिता उसको लेने आएगा। अब लॉकहार्ट यहाँ टाउन में कोई डॉक्टर ढूंढने आया था जिसको वो पैम रुक कर रिपोर्ट दिखा सके। पब के मालिक से उसको एक जानवरों के डॉक्टर के बारे में पता चलता है और वो हैना को पब में वेट करने के लिए कह के उस डॉक्टर से मिलने चला जाता है। अब वो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बताता है कि पैम रुक का दांत टूट जा रहा है क्रोनिक डिहाइड्रेशन की वजह से। अब लॉकहार्ट इस बात से काफी सरप्राइज्ड होता है क्योंकि स्पा में हर टाइम पानी ही पिलाया जाता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन तभी उसको 200 साल पहले नवाब के एक्सपेरिमेंट से मरे हुए लाशों की बात याद आती है और उसको इन दोनों मैटर्स के बीच कोई कनेक्शन है ऐसा लगने लगता है। उस डॉक्टर से लॉकहार्ट को ये भी पता चलता है कि नवाब की बहन बीमार नहीं थी, उसको बस कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा था और नवाब इसी का क्योर ढूंढ रहा था। इसके बाद लॉकहार्ट अब पब में वापस आता है और न्यूयॉर्क फोन लगाता है ये जानने के लिए कि पैम रुक को पहले से कोई ऐसी बीमारी थी या नहीं। लेकिन ऑफिस से बताया जाता है कि पैम रुक अपने हेल्थ को लेके काफी कंसर्न था, इसलिए वो खुद के हेल्थ का काफी ख्याल रखता था। और उसको ये भी पता चलता है कि किसी ने भी उसके एक्सीडेंट की खबर ऑफिस में इन्फॉर्म नहीं किया था, तो वॉलमैन ने उसे झूठ बोला है। अब इधर पब में हैना डांस करने लगती है और गांव का एक लड़का उसको छेड़ने लगता है, इसलिए वहां लॉकहार्ट की उस लड़के से फाइट हो जाती है और तभी वहां वॉलमर आ जाता है और उन दोनों को वापस ले जाता है। अब स्पा में आने के बाद लॉकहार्ट की दांत निकल आती है और वो खुद के सवालों का जवाब ढूंढने स्पा के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है। वो एक रूम में जाते ही उसको मिसेस वॉटकिंस मिलती है। वो लॉकहार्ट को बताती है कि नवाब की बहन प्रेग्नेंट थी लेकिन गांव वालों ने पेट में से गर्भ को काट के पानी में फेंक दिया था, लेकिन तब भी वो बच्चा बच गया था। अब लॉकहार्ट किसी और एक रूम में जाते ही उसको पैम रुक के साथ साथ और भी कई सारे पेशेंट्स दिखते हैं एक वाटर टैंक के अंदर, जो कि सब डेड नजर आ रहे थे। अब उस रूम से निकलते वक्त वॉलमर उसको देख लेता है और उसको एक रूम में ले जाके जबरदस्ती उसके और एक दांत को ड्रिल करके उखाड़ देते हैं। लेकिन लॉकहार्ट वहाँ से जैसे तैसे निकल कर बाहर आ जाता है और उसी ड्राइवर के कार में बैठ के टाउन चला जाता है पुलिस के पास। वो पुलिस को सब कुछ बताता है जो कुछ भी उसने वहाँ देखा हुआ था, लेकिन वो पुलिस वाला वॉलमर को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे लॉकहार्ट को समझ आ जाता है कि पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। तभी वहाँ पैम रुक भी आ जाता है जिसको लॉकहार्ट ने डेड समझा था। पैम रुक वहाँ उल्टा लॉकहार्ट पर ही ब्लेम देता है और कहता है लॉकहार्ट उसको जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहता है। अब लॉकहार्ट परेशान हो जाता है और उसके पास कोई चॉइस नहीं होता है सिवाय वॉलमर के साथ वापस लौट जाने के। इसके बाद लॉकहार्ट की प्रॉपर हाइड्रोथेरेपी शुरू होती है एंड वो भी धीरे धीरे पैम रुक की तरह ही यकीन करने लगता है कि वो सच में बीमार है और उसको ठीक होने के लिए इधर ही रहना चाहिए। लेकिन एक दिन उसको अपने पिता की याद आती है, जिन्होंने खुद के ऊपर लगाए गए फेक एलिगेशंस के चलते सुसाइड कर लिया था। लेकिन लॉकहार्ट डिसाइड करता है कि वो होप नहीं छोड़ेगा और सच्चाई जान के रहेगा। वो अपने पैर पर लगे प्लास्टर को खोल देता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसकी पैर तो कभी टूटी ही नहीं थी। अब वो एक रेस्ट्रिक्टेड क्वार्टर में चला जाता है, जहां वो रोज रात बॉडीज को ले जाते हुए देखता था। वहां उसको बाकी लाशों के साथ मिसेस वॉटकिंस की सूखी हुई लाश भी मिलती है और वो उन लाशों को पानी में फेंकते हुए भी देखता है, जिसके बाद इल मछली उन बॉडीज को खा जा रहे थे। अब तभी वहाँ का केयर टेकर उस पे हमला कर देता है, लेकिन लॉकहार्ट उसको मार के वहाँ से निकल जाता है।
अब इधर हैना को दिखाया जाता है स्विमिंग पूल में, जहां उसको पीरियड्स आ जाने पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, और तभी वहां पूल में इल मछलियां आ जाती हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि इल मछली उसके ऊपर हमला नहीं करते, बस उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। हैना डर जाती है और पूल से बाहर आ जाती है। अब क्योंकि हैना को पीरियड्स का कोई भी आइडिया नहीं था, तो वो खुद को बीमार समझती है और वॉल्मर को बताने डाइनिंग हॉल में आ जाती है। अब लॉकहार्ट भी डाइनिंग हॉल में आ जाता है और सारे पेशेंट्स के सामने वॉल्मर को सुनाने लगता है कि कैसे वो सबको बीमार कर रहा है। लेकिन स्ट्रेंजली सारे पेशेंट्स उसी के अगेंस्ट में चले जाते हैं और खुद को बीमार बताने लगते हैं, जैसे कि उनको कोई हिप्नोटाइज कर दिया हो। अब लॉकहार्ट की आंख फिल्टरेशन यूनिट में खुलती है। वॉल्मर जबरदस्ती एक ट्यूब उसके मुँह में घुसा देता है, जिससे कि इल वाला पानी उसके बॉडी में जा सके। इस बार वॉल्मर लॉकहार्ट के लगाए गए सारे एलिगेशन को कबूल करता है कि कैसे नवाब के किए गए आविष्कार को वो इस्तेमाल कर रहा है। वो ऐसे लोगों को यूज करता है जो पैसे वाले हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं। नवाब जो चीज गांव वालों के साथ जबरदस्ती करता था, लेकिन वॉल्मर सबको बिलीव दिलाता है कि वो लोग बीमार हैं, और ये सब एक थेरेपी का ही पार्ट है। वॉल्मर इल के बारे में भी बताता है कि कैसे दुनिया के दूसरे जगह के पानी में इल मछलियां कुछ ही साल सरवाइव कर पाते हैं, बट इधर के पानी में 300 साल बचते हैं। अब ये इल मछली वाला पानी इंसानों के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, इससे इंसान हैलुसिनेट करने लगते हैं। लेकिन जब ये इल वाला पानी को इंसान के बॉडी में से सही तरीके से छान लिया जाता है, तो उससे ये पानी शुद्ध हो जाता है और एक लाइफ गिविंग एसेंस बन जाता है, जो कि लॉकहार्ट एज अ विटामिन उन लोगों को लेते देखा था। अब सीन चेंज होता है जब वॉल्मर हैना को एक न्यू ड्रेस गिफ्ट करता है और वो बताता है कि वो अब रेडी हो चुकी है। अब ये चीज हमको आगे पता चलेगी कि उसने ऐसा क्यों बोला। इसके बाद हैना लॉकहार्ट से मिलने जाती है, जहाँ लॉकहार्ट की दांत फिक्स्ड कर दी गई थी और वो भी बाकी पेशेंट्स की तरह ही बात करने लगा था। अब रात को वॉल्मर एक पार्टी थ्रो करता है स्पा के स्टाफ के लिए एंड हैना को एक रूम में लेके जाता है। इधर लॉकहार्ट को मिसेस वॉटकिंस की बात याद आती है, जहाँ उन्होंने बोला था कि बच्चा सरवाइव कर गया है, एंड मिसेस वॉटकिंस की पजल में से एक नोट भी मिलता है जहाँ लिखा था शी डजंट नो। अब ऑफिस में लॉकहार्ट को एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है, जो कि किले को जला देने के बाद रिकंस्ट्रक्शन के टाइम का है। उस पिक्चर में उसको एक आदमी दिखता है जिसका मुंह बैंडेज से पूरा कवर्ड था, और उसके साथ एक बच्ची भी दिखाई देती है, जिससे लॉकहार्ट को सब कुछ समझ आ जाता है। अब इधर वॉल्मर हैना के हाथ पैर बांध देता है और रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ लॉकहार्ट आ जाता है और हैना को वॉल्मर की बेटी बताता है। मतलब वो इतना ही पागल सनकी इंसान था कि बहन बेटी कुछ भी नहीं देखा उसने। खैर, दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वॉल्मर अपने मुंह से फेक स्किन निकाल देता है। इधर कंफर्म हो जाता है कि वॉल्मर ही नवाब है, जो क्योर वो लोग हर टाइम लेते रहते हैं, उसी की मदद से आग लगने के बाद भी नवाब बच जाता है, और क्योंकि ये क्योर उसके बहन को भी दिया जाता था, तो इसलिए बच्चा भी सरवाइव कर गया था। लेकिन आग लगने के बाद उसकी बहन नहीं बच पाती है, और इसी क्योर की वजह से नवाब और हैना 2 सेंचुरी तक सरवाइव कर लेते हैं बिना किसी बुढ़ापे के। अब नवाब और लॉकहार्ट के बीच जो फाइट हो रही थी, उसमें लॉकहार्ट नवाब के ऊपर आग लगा देता है और हैना को बचाने चला जाता है। इधर आग धीरे धीरे फैलने लगती है पूरे स्पा में, और नवाब भी खुद के बॉडी में लगी हुई आग को बुझा के लॉकहार्ट को मारते हुए इल मछली वाला पानी के सामने लेके आता है और उसको उसमें फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हैना आ जाती है और उसके पिता को मार डालती है, और नवाब उस पानी में गिर जाता है और इल मछली उसको खाने लगते हैं। अब लॉकहार्ट और हैना जल्दी जल्दी स्पा से निकल के साइकिल लेके बाहर जाने लगते हैं कि तभी एक कार के साथ उनकी टक्कर हो जाती है और कार में से वही बोर्ड मेंबर्स निकलते हैं। वो लोग इधर आ गए थे क्योंकि पैम्ब्रुक और लॉकहार्ट को वो लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और उनकी कोई भी खबर भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन लॉकहार्ट उनको साफ साफ बता देता है कि पैम्ब्रुक मर चुका है। बोर्ड मेंबर्स अब कोई ऑप्शन ना देख के लॉकहार्ट को कार में बैठ के उनके साथ चलने के लिए कहता है, ताकि कंपनी में जो भी इश्यूज हुआ है उसका ब्लेम वो लॉकहार्ट पे दे सके, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता पर दिया गया था। लेकिन लॉकहार्ट नहीं मानता है और हैना को साइकिल में बिठा के वहाँ से जाने लगता है। और दोस्तों, मूवी इधर ही खत्म हो जाती है लॉकहार्ट की फेस पर एक इविल स्माइल के साथ। तो गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। You're trying to make me think I'm insane. What's happening to me? It's all part of the cure. There is no